भारत चीन सीमा त्वांग में फिर भिड़े दोनों देशों के सैनिक, दोनों तरफ से कई सैनिकों के घायल होने की खबर। 9 दिसंबर को हुई थी झड़प, भारतीय कमांडर ने बुलाई फ्लैग मीटिंग। भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को दिया करारा जवाब, 300 की संख्या में आए थे चीनी सैनिक। त्वांग में झड़प पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, संसद में जवाब दे सरकार, देश को सीमा की सच्चाई बताए सरकार। फिर फायरिंग से दहला काबुल, काबुल में होटल के बाहर पौश इलाके में फायरिंग, 3 हमलावर मारे गए, 2 विदेशी नागरिक घायल, आईएसआईएस संगठन पर हमले का शक। मुस्लिम लड़कियों की शादी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, एनसीडब्ल्यू की याचिका पर 4 हफ्तों में मांगा जवाब, एनसीडब्ल्यू ने 18 से कम उम्र में शादी को बताया गलत। भूपेंद्र पटेल ने लिए सीएम पद की शपथ। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। शपथ लगातार दूसरी बार बने गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के 18वें सीएम के तौर पर ली शपथ। गुजरात में खानू भाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी भाई पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, भानुबेन बावलिया, कुबेर भाई डिंडोर, कुंवरजी बावड़िया और अय्यर मूलू भाई बेरा ने मेरा को बनाया गया कैबिनेट मंत्री। गुजरात में 16 विधायकों ने ली सीएम पद की शपथ के साथ शपथ, 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार, 6 ने ली राज्य मंत्री के तौर पर शपथ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह। पीएम मोदी ने गुजरात की जनता को झुककर किया नमन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के नाम के लगाए जयकारे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद राजा पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज, पन्ना जिले के पवई में दर्ज हुआ केस, पीएम को लेकर दिया था विवादित बयान। विवादित बयान के बाद बढ़ सकती है राजा पटेरिया की मुश्किलें, केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की लटकी तलवार। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या को लेकर दिया था विवादित बयान, कहा संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए रहो तैयार। पटेरिया के बयान पर सियासत तेज, बीजेपी ने बनाया मुद्दा, कार्रवाई की उठाई मांग। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान की निंदा की और कहा कांग्रेस का असली चरित्र सामने आया, कानून अपना काम करेगा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला, अधिकारियों ने बधाई दी। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जनता का आभार व्यक्त किया। सीएम सुक्खू ने कहा एक आम परिवार के व्यक्ति को कुर्सी की बागडोर मिलेगी, ऐसा कभी नहीं सोचा था, इसके लिए जनता का धन्यवाद करता हूं। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा मिली शपथ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिलाई शपथ। डिंपल के सांसद पद की शपथ के दौरान अखिलेश यादव भी रहे मौजूद, शपथ लेने के बाद डिंपल ने सोनिया गांधी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कहा मुझे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। लखीमपुर खीरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में वकील की दलील, घटना के वक्त कार में नहीं था आशीष मिश्रा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मानहानि मामले में नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की मानहानि मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। पटियाला हाउस कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई पूरी हुई, 200 करोड़ की ठगी केस में सुनवाई, जैकलिन फर्नांडिस आज हुई थी पेश, अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। सुले डेस मामले में मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 196 के तहत चलाया जाएगा मुकदमा, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी मंजूरी। तो टीपू सुल्तान के समय के मंदिरों की सलामत आरती का बदले का नाम, कर्नाटक सरकार जल्द जारी करेगी सर्कुलर।
चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बनें।